थाई करी को बहुत अच्छे से पकाना पड़ता है, जैसे कि शेफ ने यहाँ पे पकाया है, बहुत अच्छे से पकाया है। देखो बहुत उबाला आ रहा है, आराम आराम धीमी धीमी आग में पकाया है शेफ ने, बहुत प्यार से पकाया है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत काफ़ी देर से पका रहे हैं। देखो एकदम दूध का स्वाद, क्लियर दूध का स्वाद, थाई करी, रेड थाई करी, चिकन है कि वेज है शेफ? वेज थाई करी है, इसमें वेजिटेबल डाली गई है, बहुत ही शानदार बढ़िया। इस थाई करी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको हर फूड से जानकारी हम देते रहेंगे। इसमें हल्का सा सीजनिंग करी है, हल्का सा, और बहुत आसान, बहुत लजीज लजीज। देखो मेरे दोस्तों, देखो बहुत ही धीमी आज पर, बहुत देर से पका रहे हैं हमारे शेफ, बहुत देर से पका रहे हैं थाई करी को, और बहुत प्यार से पका रहे हैं। ये देखो देखो, ये बंदा है, ध्यान से देखो, गौर से देखो, बंदा यही है। आज की तारीख में 45,000 भारतीय पैसा कमाता है तनख्वाह, यही करता है काम। ये बंदा जो है कमाल का बंदा है, अभी बना रहा है थाईलैंड का खाना इंडिया में बैठ बैठ के। मतलब ये जो बंदा दूसरा है चश्मिस, वो सीखने का कोशिश कर रहा है कि भाई हमको भी दिखाओ, हमको भी सिखाओ भाई बनता कैसे है ये चीज करके। अभी देखो भाई यहाँ पर हमारा ये सीक्रेट मसला उसला होता है। देखो हम लोग ब्लैक पेपर ऐसे क्रश करके बनाते हैं, व्हाइट पेपर भी क्रश होते हैं, सेमी क्रश, सॉल्ट, सीजनिंग्स, बटर, चॉप गार्लिक, ऑनियंस, आइसिंग शुगर, ब्रेकफास्ट शुगर, केचप, सेचुअन स्टाइल चिली पेस्ट, कश्मीरी चिली पेस्ट, डार्क सॉसेस, ऑयस्टर सॉस, बहुत कुछ यहाँ पर भी है भाई। ये खाना बनाने के लिए मतलब बहुत सारे चीज़ों का जरूरत होती है, बहुत सारे किस्म की सॉस चाहिए होती है। यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें यूज होती है, तब खाने की मतलब एक अच्छा सा आती है। देखो जी ऑर्डर आ रहा है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में, इधर ऑर्डर मतलब उसी हिसाब से खाना बन रही है, और हम लोग ये वाली जो आर ओ की वाटर है इससे खाना बनाते हैं, हम लोग दूसरे खाना से नहीं बनाते हैं। और हम दिखाएंगे कि अभी तक हमारी थाई करी क्यों रेडी नहीं हुई। अब तो मुझे लग रहा है कि अभी देखो लास्ट में जाएगी, इसमें लेमन की जूस थोड़ी सी टचअप के लिए, बस बस ज्यादा नहीं बेटा, बस थाई करी अब हो गई परफेक्टली रेडी। थोड़ा सा ठीक कर दो, हल्का सा भाई, हल्का सा ठीक कर दो, हल्का सा ठीक कर दो। हमारे पास ये चीज है जो ये देखो भाई, ये देखो दिखने में बहुत वो लग रहा है, लेकिन ये ऐसा चीज है, इतना अच्छा बंदा ने ठीक कर दिया। अभी इसको देखो, अभी इसको राइस में डालेंगे ना, मस्त बढ़िया लग रहा है। नहीं नहीं जी, चिल्ली ऑयल ज्यादा नहीं डालेंगे हम, अभी हम लोग पार्सल कर रहे हैं इसको, इस कंटेनर में डाल के। हम लोग बायोडिग्रेडेबल जो भी कंटेनर यूज करते हम लोग भाई प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं, ये रिसाइकल होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है, और हमारे पास सब कंटेनर बगासे की होती है, हम प्लास्टिक की कंटेनर को यूज नहीं करते। और ये बंदा जो दिख रहा है ये यहाँ का चैंपियन है, चैंपियन बोले तो पीरो, बोले तो पीरो है भाई। हमने ऐसे खाना बनाया बनाया के देखो, हमारे एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं इसलिए हम लोग ने इतने कुर्सी चेयर बनाए, ऑडी गाड़ी लिया भाई मैंने अभी अभी काम से। देखो एक ऑडी है, पीछे करेटा खड़ी है भाई, करने से क्या नहीं होता भाई, ऑडी भी है, करेटा भी है, होंडा सिटी भी है, और इनोवा भी है भाई। तो ये यूट्यूब चैनल का जो मालिक है ये है, बता रहे कैसे कैसे शो कर रहे हो, खाना रेडी, निकालो निकालो भाई। भाई वो ऑडी तो मैंने खरीदी थी ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यही ऑनलाइन का खाना बेच के ना? हाँ जी यही। हाँ लेकिन आप सच बता रहे हो ना? बिल्कुल 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 सच बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छा। तो ऑडी एक्चुअल में मेरी नहीं थी, मैंने ऐसे मजाक कर रहा था, तो हमारी कंपनी की ही है भाई। लोग बहुत बढ़िया अच्छा थाई करी बन के निकल आया, अभी पार्सल होकर जा रहे है हमारे रेस्टोरेंट को। थोड़ा सा ये कर देना भाई, हमारे किचन को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ततामी करके जापानीज, कोरियन, चाइनीज, थाई, मलेशियन, वियतनामीज, इंडोनेशियन खाना बनती है यहाँ, बहुत सारे खाना बनती है। तो कम से कम ये ततामी को फॉलो कर देना भाई,
ततामी को हैशटैग कर देना ततामी इंस्टाग्राम में। और ये ततामी आज तक तो एक ऑनलाइन किचन थी, अभी ततामी क्या बन गई मालूम है? अभी चंडीगढ़ में ततामी आ रही है रेस्टोरेंट बन के। देखो भाई मेहनत का सफर अच्छा होता है। ये हमारा किचन है और अभी आ रही है चंडीगढ़ में अपना रेस्टोरेंट 7 सेक्टर में आ रही है, चंडीगढ़ 7 सेक्टर में।